बिजली और तूफान की कहानी। बहुत समय पहले बिजली और तूफान धरती पर मनुष्यों के बीच रहा करते थे। राजा ने उन्हें अपने मनुष्यों की ये बस्ती से दूर रखा था। बिजली तूफान की बेटी थी। जब कभी किसी बात पर बिजली नाराज हो उठती, वह तड़प कर किसी के घर पर गिरती और उसे जला देती, या किसी पेड़ को राख कर देती, या खेत की फसल नष्ट कर देती। मनुष्यों को भी वह अपनी आग से जला देती थी। जब जब बिजली ऐसा करती, उसके पिता तूफान गरज गरज कर उसे रोकने की चेष्टा करते, किंतु बिजली बड़ी ढीठ थी। वह पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानती थी। यहाँ तक कि तूफान का लगातार गरजना मनुष्यों के लिए सिरदर्द हो उठा। उसने जाकर राजा से इसकी शिकायत की।